और कितने लगातार प्रतिशत लोग वोटिंग आते, हिमांशु अब तक हो चुकी है अयोध्या में? लगभग 9% वोटिंग हो चुकी है अभी तक अयोध्या में। यानी कहा जा सकता है कि अच्छा खासा वोटिंग परसेंट हमें मिल सकता है शाम 6 बजे तक, अगर यही रफ्तार रही तो। बिल्कुल, अगर यही रफ्तार रही तो अच्छा खासा प्रतिशत रह सकता है। लेकिन इस बार डीएम ने भी अपील की थी, डीएम नीतीश कुमार ने भी अयोध्या वासियों से अपील की थी कि भारी से भारी संख्या में पहुंच कर मतदान करें। लोगों ने एक मुद्दा ही बनाया था, पहले मतदान फिर जलपान, उसके तहत अभी सुबह से तो काफी मतदान की संख्या बढ़ रही है। अब देखना होगा ये जो संख्या जिस हिसाब से अभी चल रहा है, अगर यही सिक्वेंस रहेगा तो काफी अच्छा मतदान का प्रतिशत हमको शाम को सुनने में मिलेगा। वहीं अगर अलग अलग जिलों की बात की जाए मतदान प्रतिशत की, तो कहीं ना कहीं मतदान प्रतिशत में काफी गिरावट भी आई हुई है। क्या वजह हो सकती है गिरावट आने की मांझु? गिरावट आने की सबसे बड़ी व्यवस्था जो है, जो बात की जाए तो जो मतदाता है उनके नाम अभी भी लिस्ट से गायब है, काफी संख्या में मतदाताओं के लिस्ट से नाम गायब है। तो वहीं अगर जो मतदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी है कोरोना काल में उससे पहले, उनके तक के तो नाम उपलब्ध है मतदाता लिस्ट में, लेकिन जो जिंदा है, जो नए वोटर है, उनके नाम काफी हद तक अभी भी नहीं जुड़े हैं, काफी मतदाता अपना वोट करने से भी रह चुके हैं। कुछ जगह से हिमांशु ईवीएम खराब की भी खबरें सामने आ रही थी, अयोध्या से तो ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई? नहीं बिल्कुल, अभी तक तो ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन अगर जैसे ही आती है वैसे न्यूज वर्ल्ड इंडिया पे लगातार अपडेट मिलती रहेगी। न्यूज वर्ल्ड इंडिया पे सभी दर्शक लगातार अपडेट देखते रहेंगे। मतलब कुछ मतदाता है जो युवा है, हम उनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे कि आपने किस युवा है, किस मुद्दे को लेकर के आप मतदान कर रहे हैं। मैं योगी आदित्यनाथ जी को आप एक युवा है, नौकरी है, बेरोजगारी है, विकास है, कई अहम मुद्दे हैं, इनको लेकर के आप इन मुद्दों को लेकर के वोट कर रहे हैं सिर्फ कि ये, या सिर्फ ये योगी जी के नाम पे वोट कर रहे हैं? बिल्कुल, इन्होंने साफ तौर पर बताया इन्होंने योगी जी के नाम पे वोट कर रहे हैं क्योंकि योगी जी के कार्यों से खुश है, और साफ तौर पर इनका कहना है कि मैं ये दोबारा योगी जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। बिल्कुल, और योगी आदित्यनाथ से आम जनता खुश नजर आ रही है, विधायक से भले ही हो या ना हो ऐसी तस्वीर अयोध्या में लगातार देखने के लिए मिल रही है। मेरे सहयोगी सत्येंद्र भी मेरे साथ बने हुए प्रतापगढ़ से। सत्येंद्र, मेरी आवाज मिल रही है आपको? सत्येंद्र, मेरी आवाज आ रही है? तो सत्येंद्र तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, गोंडा का मैं रुक करूंगी। अनुराग, गोंडा की अगर हम बात करें तो गोंडा में अच्छा खासा वोटिंग परसेंट हमें देखने के लिए मिल रहा है, 8% से ज्यादा वोटिंग अब तक हो चुकी है। यही रफ्तार रही तो एक अच्छा खासा वोटिंग परसेंट हमें देखने के लिए मिल जाएगा। इससे ये समझ में आता है कि गोंडा की जनता पूरी तरह से जागरूक हो चुकी है, ठान लिया है कि इस बार उनका हक है वो हम करेंगे, हम पूरी तरह से जागरूक हैं, हम मतदान भी करेंगे और फिर सरकार बदलने का या सरकार को रहने का दम भी रखते हैं।